Now we will discuss that is navigation controls, which are another type of web server controls, right? As the name says, navigation controls hume kya allow karega? Navigation control will allow us to allows the user to navigate from one page to another. Agar user ko ek page ke upar se dusre page ke upar navigate karwana hai, right? To user ye navigation controls jo hai uska use kar sakta hai. Right now there are different kinds of navigation controls because wo different kinds of functionalities provide karta hai, right? To wo hum dekhenge ki kaun se different kinds of navigation controls hai. So navigation control mein first navigation control hai, that is sitemap path control, right? Sitemap path control hume kya provide karega? It will provide us the navigation structure of our website, राइट जिसके अंदर हम वो पूरा पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जहां से हम ये जो चाइल्ड पेज है जिसके ऊपर हम आए हैं या फिर जो करंट पेज है उसके ऊपर हम आए हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज के अंदर हमने हार्डवेयर का पेज बनाया है, हार्डवेयर के पेज के साथ हमने रिलेट किया है इनपुट इनपुट और आउटपुट. इनपुट के अंदर है माउस और कीबोर्ड और आउटपुट के अंदर है मॉनिटर, राइट? तो अगर हम ये सारे पेजेस के ऊपर से, ये सारी लिंक के ऊपर से हम नेविगेट करते हैं इनपुट हार्डवेयर के ऊपर, राइट? तो इनपुट हार्डवेयर इज द करंट पेज. लेकिन इनपुट हार्डवेयर के ऊपर हम कहाँ से आए? हार्डवेयर पे से आए. हार्डवेयर पे हम कहाँ पे कहाँ से आए थे? इंडेक्स पेज में से आए थे. इट मींस इंडेक्स विल बिकम द रूट, हार्डवेयर पेज विल बिकम पेरेंट एंड इनपुट हार्डवेयर विल बिकम करंट, राइट? मतलब रूट नोड में वो डिस्प्ले करेगा इंडेक्स, पेरेंट नोड में वो डिस्प्ले करेगा हार्डवेयर और करंट नोड में वो डिस्प्ले करेगा इनपुट, राइट? मतलब इस हिसाब से अगर हमें पूरा नेविगेशन स्ट्रक्चर यूजर को डिस्प्ले करना है तो हम ये साइट मैप पाथ कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट? और ये साइट मैप पाथ कंट्रोल हम ट्री व्यू कंट्रोल और मेनू कंट्रोल के साथ हम बाइंड कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पाथ डायरेक्शन, राइट? पाथ डायरेक्शन के अंदर हम ये सेट कर सकते हैं कि हमें हम जो यहाँ पे ये पाथ डिस्प्ले करते हैं, दैट इज रूट पेरेंट चाइल्ड या फिर करंट, उसका डायरेक्शन कौन सा है. मतलब रूट पेरेंट चाइल्ड हमें डिस्प्ले करना है या फिर चाइल्ड पेरेंट रूट, हमें इस हिसाब से पाथ डिस्प्ले करना है. तो वो पाथ डायरेक्शन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. Another is path separator. अगर आप यहाँ पे देखोगे then path separator is the colon sign because root node और parent node के बीच में क्या है? Colon, right? तो ये colon के instead of this colon अगर हमें यहाँ पे greater than sign रखनी है तो वो भी हम यहाँ पे path separator के अंदर specify कर सकते हैं. Another is sitemap provider. साइटमैप प्रोवाइडर के अंदर हम वो प्रोवाइडर का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके अंदर से हमें ये साइटमैप पाथ कंट्रोल के अंदर सारी वैल्यूज मिलेगी. अगेन आई रिपीट, साइटमैप पाथ प्रोवाइडर प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रोवाइडर का नेम हम स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके अंदर से हमें ये पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए सारी वैल्यूज मिलेगी, राइट? और साइटमैप provider obviously it will be web.sitemap file. again I repeat, it will be web.sitemap file. agar aapko yaad ho student management system ke andar jo bhi humne guest ke liye jo pages banaye the uske upar humne ye sitemap path control ka use kiya tha aur sitemap path control ko explain karne ke waqt maine aapko bataya tha ki ye sitemap path control will work with web.sitemap file. to hame wo yahan pe yaad rakhna hai, right? it will be this kind of फाइल, वो ऐसी फाइल आपको दिखेगी. और ये web.sitemap फाइल अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक ऑन द वेबसाइट विद इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट? राइट उसमें से आप सिलेक्ट करोगे ऐड न्यू आइटम और ऐड न्यू आइटम में से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे. उसमें से आप सिलेक्ट करोगे साइट मैप फाइल. साइट मैप फाइल आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट उसका नेम आएगा web.sitemap. आपको चेंज नहीं करना है. अगेन आई रिपीट, ये web.sitemap जो फाइल का नेम आएगा वो आपको चेंज नहीं करना है बिकॉज दिस साइट मैप पाथ कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट web.sitemap फाइल और उसके ऊपर ही वो वर्क करेगा.
अगर आप उसका नेम चेंज कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वेब डॉट साइट में रहने देना है। एड बटन पे के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये जो यहाँ पे इमेज है वैसा सेम टेम्पलेट आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप साइट मैप नोड, उसका URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप ये इमेज में देखोगे, देन देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट मैप नोड। ये जो फर्स्ट साइट मैप नोड है, राइट, ये कंटेनर टैग है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये एंड होता है। और ये जो दो साइट मैप नोड है, राइट, ये कंटेनर टैग नहीं है, बिकॉज ये टैग यहाँ पे ओपन होता है और ये टैग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स ये जो साइट मैप नोड है, दिस साइट मैप नोड विल बिकम द पेरेंट नोड, राइट। और ये जो उसके अंदर दो साइट मैप नोड स्पेसिफाई करेंगे, दैट विल बिकम द चाइल्ड नोड, राइट। तो ये आपको इस हिसाब से पूरी साइट मैप फाइल आपको बनानी है, राइट। और ये साइट मैप फाइल, ये जो साइट मैप पाथ कंट्रोल है, राइट, उसके साथ वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, राइट। और याद रखना है कि ये फाइल का नेम आपको वेब डॉट साइट मैप देना है, राइट, कि जो ऑटोमेटिकली साइट मैप पाथ कंट्रोल के साथ अटैच हो जाएगी। ऑलराइट, अनदर इज द रूट नोड स्टाइल, करंट नोड स्टाइल एंड नोड स्टाइल, राइट। मतलब आपको ये जो पर्टिकुलर नोड्स है जिसके अंदर हम टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे, उसकी स्टाइल आपको चेंज करनी है, उसका अपीयरेंस आपको चेंज करना है, राइट। तो आप ये थ्री जो प्रॉपर्टीज है उसका आप यूज कर सकते हो। दैट इज ये रूट के लिए यूज होगा, ये करंट नोड के लिए यूज होगा, और ये जो नोड स्टाइल प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर आप जो भी सेट करोगे वो सारे नोड्स के ऊपर वो अप्लाई कर देगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करके आप ये साइट मैप पर कंट्रोल को उसका अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, अनदर नेविगेशन कंट्रोल इज ट्री व्यू कंट्रोल। उसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सी, रूट नोड, पेरेंट नोड and leaf node, the same thing is available in sitemap path also. See, root node, parent node and current node, वहाँ पे name दिया है leaf node and यहाँ पे क्या दिया है, current node, right? So tree view control कैसे वो पूरी चीज display करता है, it will display in the form of hierarchical structure, right? और hierarchical structure के हिसाब से वो सारी links आपको यहाँ पे specify करके दे देगा। It is like a tree-like structure, because एक root है, उसके अंदर आप parent देख सकते हो, parent के अंदर आप leaf देख सकते हो, right? और दूसरी चीज, जैसे साइट मैप पाथ कंट्रोल वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ वर्क कर सकता है, लाइकवाइज ये ट्री व्यू कंट्रोल भी वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ वर्क कर सकता है। बट द थिंग इज दैट वो जो साइट मैप पाथ कंट्रोल था वो ऑटोमेटिकली वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ अटैच हो जाता था, लेकिन ट्री व्यू कंट्रोल और मेनू कंट्रोल जो हम इसके बाद देखेंगे, राइट, ये दोनों कंट्रोल को अगर हमें ऐसा करना है कि वो वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ वर्क करे, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली हमें ये साइट मैप डेटा सोर्स, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी होगी साइट मैप प्रोवाइडर, उसके अंदर हमें वो वेब डॉट साइट मैप फाइल को सेट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली हमें वो XML फाइल सेट करनी पड़ेगी, तो ही हम ट्री व्यू कंट्रोल और मेनू कंट्रोल को वो साइट मैप फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। साइट मैप पाथ कंट्रोल की तरह वो ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होगा, राइट। तो हमें ये यहाँ पे याद रखना है कि ट्री व्यू कंट्रोल और मेनू कंट्रोल दोनों वेब डॉट साइट मैप फाइल के साथ वर्क कर सकते हैं, बट वो फाइल को हमें एक्सप्लिसिटली ये दोनों कंट्रोल के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो ही वो वर्क करेगा। और जो सारे नोड्स है वो नोड्स वो फाइल के अंदर जो हमने साइट मैप नोड स्पेसिफाई किए होंगे उसके हिसाब से वो रेंडर होंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली दैट साइट मैप फाइल इज एन XML फाइल, तो जो XML फाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच इज फॉर एग्जाम्पल केस सेंसिटिविटी, सारी चीजें टैग्स के हिसाब से हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, राइट। प्रीव्यू कंट्रोल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें नोड स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट, मतलब ये जो है रूट, पेरेंट, लीफ, इसे हम प्रीव्यू कंट्रोल के अंदर नोड्स बोलेंगे, राइट। सो हम ये वो नोड्स के लिए हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, हाइपरलिंक भी उसको बना सकते हैं, और चेकबॉक्स के हिसाब से भी उसको रेंडर
करवा सकते हैं. मीन्स वी कैन से कि ये जो नोड्स है उसको हम थ्री डिफरेंट वेज में रेंडर करवा सकते हैं, या फिर सिंपल टेक्स्ट में भी हम रेंडर करवा सकते हैं, राइट, हाइपरलिंक के हिसाब से भी रेंडर करवा सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे चेकबॉक्स के हिसाब से भी उसको रेंडर करवा सकते हैं, राइट. और ट्रीव्यू कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट है सिलेक्टेड नोड चेंज इवेंट. मतलब जैसे ही हम नोड चेंज करेंगे, डिफरेंट नोड सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्टेड नोड चेंज इवेंट फायर होगी, राइट. अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट इज चेक नोड्स. मतलब अगर हमने ट्रीव्यू कंट्रोल को चेकबॉक्स के हिसाब से रेंडर करवाया है, राइट, और वो चेकबॉक्स के अंदर से हमने जितने भी चेकबॉक्सेस को चेक किए हैं, राइट, वो सारे चेकबॉक्सेस के नोड्स चाहिए, मतलब सिलेक्टेड चेकबॉक्सेस के नोड्स चाहिए, तो वो हमें ये चेक नोड प्रॉपर्टी में से उसका लिस्ट मिल जाएगा. अगेन आई रिपीट, जितने भी यूजर्स ने चेक बॉक्सेस सिलेक्ट किए होंगे ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर, वो सारे अगर नोड्स हमें चाहिए तो हम ये चेक नोड्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. अनदर इज कॉलेप्स इमेज यूआरएल एंड एक्सपांड इमेज यूआरएल. इट मींस के अगर हमें ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर, हमें पता है कि जब हम ये ट्रीव्यू कंट्रोल के ऊपर ये माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारे नोड्स कॉलेप्स हो जाएंगे और ये माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, और अगर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे नोड्स एक्सपांड हो जाएंगे, राइट. तो अगर यहाँ पे हमें रूट के आगे इमेज डिस्प्ले करवानी है, राइट, कॉलेप्स के लिए अलग और एक्सपांड के लिए अलग, तो हम यहाँ पे कॉलेप्स इमेज यूआरएल एंड एक्सपांड इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. वो क्या इंडिकेट करेगा, अगर हमने कॉलेप्स इमेज यूआरएल के अंदर स्पेसिफाई किया है तो कॉलेप्सिबल नोड कौन से है वो इंडिकेट करेगा, और अगर हमने एक्सपांड इमेज यूआरएल के अंदर हमने इमेज स्पेसिफाई की है तो एक्सपांडेबल नोड्स कितने हैं वो हम यहाँ पे इंडिकेट करवा सकते हैं, राइट. अनदर इज डेटा सोर्स एंड डेटा सोर्स आईडी प्रॉपर्टी. डेटा सोर्स के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच द डेटा बाउंड कंट्रोल रिट्राइव्स इट्स लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स. मतलब डेटा आइटम्स वो कहां से वो रिट्राइव करेगा, राइट, वो हमें अगर सेट करना है तो हम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकते हैं. और डेटा सोर्स आईडी के अंदर अगर हमने डेटा सोर्स कंट्रोल का यूज किया है, राइट, अगर हम डेटा सोर्स सिर्फ सेट करेंगे तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, लेकिन डेटा सोर्स आईडी के अंदर वो डेटा सोर्स का कंट्रोल का आईडी हम सेट करेंगे, राइट. दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स. डेटा सोर्स प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने डायरेक्टली डेटा सेट के अंदर से अगर हमें रिकॉर्ड्स लाने हैं तो हम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने डेटा सोर्स के लिए अगर हमने कोई कंट्रोल का यूज किया है, राइट, तो वो कंट्रोल का आईडी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. अनदर इज एच ओवर नोड स्टाइल. मगर इट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल मैं ये लीफ नोड के ऊपर माउस ले जाती हूँ, राइट, तो उसकी स्टाइल मुझे चेंज करनी है, राइट, तो हम ये एच ओवर नोड स्टाइल के अंदर हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम उसका अपियरेंस चेंज कर सकते हैं. अनदर इज लीफ नोड स्टाइल, राइट, लीफ नोड स्टाइल है तो नोड स्टाइल भी होगी और पेरेंट नोड स्टाइल भी होगी, राइट. मगर इसका मतलब अगर हमें ये लीफ के लिए, पेरेंट के लिए, रूट के लिए, ये सारे नोड्स के लिए अगर हमें डिफरेंट अपीयरेंस रखने हैं तो हम ये लीफ नोड स्टाइल और पेरेंट नोड स्टाइल, राइट, एंड रूट नोड स्टाइल हम इतनी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो क्या होगा, हम ये ट्रीव्यू के अंदर सारे नोड्स के लिए हम अपीयरेंस हम अपने हिसाब से डिफाइन कर पाएंगे, राइट. All right. Another is level styles. Level styles क्या indicate करेगा? It gets a collection of style object that represent the node styles at individual levels of tree. It means अगर मुझे जानना है कि मैंने ये leaf node के लिए कौन सी style apply की है, तो मैं ये level style में से उसको retrieve कर सकती हूँ, right? Another is node indent. Node indent ये हम पिक्सल की वैल्यू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो इंडेंटेशन रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो, रूट के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर लीफ है, राइट, तो ये इंडेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स हमें कितना रखना है, राइट, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं.
अनदर इज नोड्स कलेक्शन. नोड्स कलेक्शन के अंदर ये ट्री नोड ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर हम जितने भी नोड स्पेसिफाई करेंगे राइट वो सारे नोड्स का कलेक्शन मुझे ये नोड्स प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा राइट. नाउ नोड रैप रैप प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि अगर ये ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर राइट ये जो हम ट्री व्यू कंट्रोल की हाइट और विड्थ सेट करते हैं उसके हिसाब से अगर ये टेक्स्ट बड़ा है राइट तो ये हमें रैप करवाना है या फिर उसकी जगह हमें थ्री डॉट स्पेसिफाई करने हैं राइट वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. अगर हमने रैप करवाया होगा तो वो क्या करेगा दूसरी लाइन में बाकी का टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा. अगर हमने रैप नहीं करवाया होगा तो जितना टेक्स्ट वो विड्थ के हिसाब से आएगा वो दिखाई देगा बाकी की जगह पे हमें डॉट 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 वहां पे दिखाई देगा राइट. अनदर इज पाथ सेपरेटर. ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे ये लीफ नोड के ऊपर क्लिक करती हूँ और मुझे जानना है कि उसका पेरेंट कौन सा है और पेरेंट का रूट कौन सा है राइट तो मुझे ये पूरा पाथ चाहिए और वो पाथ के बीच में मतलब रूट और पेरेंट के बीच में और पेरेंट और लीफ के बीच में अगर मुझे एक सेपरेटर चाहिए राइट तो मैं ये पाथ सेपरेटर के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ राइट. ये स्टाइल प्रॉपर्टी तो हमने देखी. नाउ सिलेक्टेड नोड. यूजर ने कौन सा नोड सिलेक्ट किया है वो अगर मुझे चाहिए तो मैं सिलेक्टेड नोड प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ और उसके लिए मुझे उसका अपीयरेंस सेट करना है तो सिलेक्टेड नोड स्टाइल प्रॉपर्टी का मैं यूज कर सकती हूँ. नाउ द थिंग इज दैट सिलेक्टेड वैल्यू राइट. जैसे हमने बाकी सारे कंट्रोल्स के अंदर टेक्स्ट और वैल्यू दोनों प्रॉपर्टी हमने देखी थी Likewise, यहाँ पे सिलेक्टेड नोड है और सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी है राइट. जो भी नोड हम सिलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम सिलेक्टेड वैल्यू का यूज कर सकते हैं और अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो सिलेक्टेड नोड प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं राइट. अनदर इज सो चेक बॉक्सेस. अगर हमें ये सारे नोड्स के आगे चेक बॉक्स चाहिए राइट तो शो चेक बॉक्सेस प्रॉपर्टी को हम ट्रू सेट करेंगे राइट. शो एक्सपांड कोलैप्स मतलब अगर हमें ये प्लस और माइनस की साइन चाहिए तो शो एक्सपांड कोलैप्स के अंदर हम ट्रू सेट करेंगे. शो लाइंस अगर हम ट्रू सेट करेंगे तो क्या होगा ये रूट के ऊपर से हमें ऐसे एक लाइन मिलेगी फिर दूसरी लाइन जाएगी पेरेंट के ऊपर यहाँ पे दूसरी लाइन जाएगी पेरेंट टू के ऊपर फिर पेरेंट में से एक लाइन मिलेगी पेरेंट वन में से एक लाइन जाएगी लीफ वन के अंदर दूसरी लाइन जाएगी लीफ टू के अंदर राइट मतलब ऐसे अगर हमें लाइंस चाहिए तो हम ये शो लाइंस प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं राइट. तो हमें क्या मिलेगा पेरेंट रूट और चाइल्ड के बीच में हमें कनेक्टेड लाइंस मिलेगी राइट. ओके नाउ अनदर क्लास के जो हमें याद रखना है दैट इज ट्री नोड क्लास. बिकॉज जैसे लिस्ट कंट्रोल के अंदर जो पर्टिकुलर आइटम है उसके लिए लिस्ट आइटम क्लास था वैसे ही ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर जो हम नोड स्पेसिफाई करेंगे उसके लिए जो क्लास है दैट इज ट्री नोड क्लास राइट. ट्री नोड क्लास जितने भी हम नोड्स क्रिएट करेंगे वो सारे नोड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें वो देगा राइट. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स. ऑब्वियसली पेरेंट नोड होते हैं चाइल्ड नोड होते हैं राइट. ऐसे भी नोड्स होते हैं जिसका कोई दूसरा चाइल्ड नहीं होगा वैसे नोड्स को हम लीफ नोड कहेंगे राइट. एंड देयर विल बी द रूट नोड. रूट नोड ऐसा नोड होगा कि जिसका जिसके ऊपर कोई दूसरा पेरेंट नोड नहीं होगा वो नोड को हम रूट नोड बोलेंगे. पेरेंट नोड को हम मतलब कौन से नोड्स को हम पेरेंट बोलेंगे राइट ऐसा नोड कि जो दूसरे नोड्स को कंटेन करता हो वैसे नोड को हम पेरेंट नोड बोलेंगे. लीफ नोड हम किसे बोलेंगे कि जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है वैसे नोड्स को हम लीफ नोड्स बोलेंगे राइट. एंड चाइल्ड नोड हम किसे बोलेंगे ऐसे नोड्स के जो द नोड दैट इज कंटेन्ड बाय एनी अदर नोड मतलब चाइल्ड नोड ऐसा नोड है कि जो दूसरा कोई नोड उसको कंटेन करता है राइट. देन दैट नोड विल बी नोन एज चाइल्ड नोड राइट. और अगर ऑब्वियसली वो क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी तो ट्री नोड क्लास की प्रॉपर्टीज कौन सी है
चेक्ड चेक प्रॉपर्टी कब यूज होगी, अगर हमने चेकबॉक्स के लिए हिसाब से हमने ट्री व्यू को रेंडर करवाया है राइट, और वो ट्री नोड चेक है कि नहीं है, अगर मुझे वो चेक करना है, मतलब वो ट्री नोड सिलेक्टेड है कि नहीं है, अगर मुझे वो चेक करना है तो मैं चेक प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. चाइल्ड नोड्स मतलब ये जो पेरेंट नोड है, पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड्स है वो अगर मुझे रिट्राइव करने हैं तो चाइल्ड नोड्स कलेक्शन का मैं यूज कर सकती हूँ राइट. अनदर इज एक्सपांडेड, मतलब अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर नोड एक्सपांडेड फॉर्म में है या फिर कॉलेप्स फॉर्म में है तो मैं एक्सपांडेड प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. अनदर इज इमेज यूआरएल, अगर मुझे नोड के आगे एक आइकन के हिसाब से मुझे एक इमेज डिस्प्ले करनी है तो मैं ये इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. नेविगेट यूआरएल, अगर मैं कोई नोड के ऊपर क्लिक करती हूँ और मुझे यूजर को कोई और पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो मैं ये नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. पेरेंट प्रॉपर्टी, पेरेंट मुझे जानना है कि करंट नोड का पेरेंट नोड कौन सा है तो मैं ये पेरेंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, अगर चेक बॉक्सेस यूज किए हैं तो चेक प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर हमने चेक बॉक्सेस यूज नहीं किए हैं और मुझे चेक करना है कि यूजर ने ये पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है तो मैं ये सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. अनदर इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब वो नोड के अंदर जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो. अनदर इज वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम कोई एडिशनल डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं या फिर हम वो पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमें इंटरनली वर्क लॉजिक के अंदर यूज करना है राइट. एंड लास्ट इज वैल्यू पाथ प्रॉपर्टी राइट, मतलब रूट नोड से करंट नोड का जो पूरा पाथ बनेगा राइट वो अगर मुझे चाहिए तो मैं वैल्यू पाथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ राइट. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो हमें ट्री नोड के साथ मिलेगा राइट. बिकॉज ऑब्वियसली ट्री नोड किसके लिए यूज होगा, ट्री व्यू के अंदर हम ये जो इंडिविजुअल नोड्स क्रिएट करेंगे वो सारे नोड्स के लिए ये ट्री नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा राइट. और ट्री नोड ऑब्वियसली इफ इट इज अ क्लास तो उसके साथ हमें प्रॉपर्टीज भी मिलेगी कि हम एक नोड के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं. इट मीन्स जितने भी नोड्स होंगे वो सारे नोड्स के लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी राइट. मतलब इंडिविजुअल नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी भी हम सेट कर सकते हैं और इंडिविजुअल इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं. लाइकवाइज हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी हम इंडिविजुअली एक नोड के लिए हम सेट कर सकते हैं राइट. ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स, अनदर इज मेनू कंट्रोल बट आई थिंक टाइम नहीं है सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये मेनू कंट्रोल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइट. सो फॉर टूडेज लेक्चर मेरे एंड से कंप्लीट होता है. आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर.